गरजेंगे अमित शाह, पूर्णिया पहुंचे अमित शाह, रैली से सीमांचल दौरे का आगाज करेंगे अमित शाह। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल से 2024 चुनावों की शंखनाद करेंगे। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बीजेपी की विशाल जनभावना रैली को संबोधित करेंगे। किशनगंज का भी दौरा करेंगे शाह। किशनगंज में अमित शाह सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे। अमित शाह के दौरे पर बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह के दौरे पर हमला बोलते हुए शीला मंडल ने कहा, देश में क्या चल रहा है सब जानते हैं, बेरोजगारी और महंगाई से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, बिहार में घृणा फैलाने आ रहे हैं। अगली ब्रेकिंग, यूपी में नहीं थम रहा घमासान, सदन से सड़क तक समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने में जुटी। अखिलेश यादव ने विधानसभा में पैदल मार्च किया। समाजवादी पार्टी का सड़क पर पैदल मार्च, विधानसभा से वॉकआउट के बाद सड़क पर विरोध मार्च। अखिलेश की अगुवाई में एसपी विधायक पैदल मार्च करते हुए सपा कार्यालय तक बढ़े। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर कंफ्यूजन खत्म हुआ। अशोक गहलोत ने आज खुद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ये भी कहा कि वो राजस्थान का सीएम पद छोड़ने वाले हैं। गहलोत ने कहा, एक व्यक्ति एक पद के तहत राजस्थान सीएम का पद छोड़ेंगे। अशोक गहलोत ने कल राहुल गांधी के साथ केरल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात की थी। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को आखिरी बार मनाने की कोशिश की थी। पीएफआई के केरल बंद के दौरान कई जगह हिंसा की खबर है। कोच्ची में सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि कोच्ची में सरकारी बसों को पीएफआई समर्थकों ने निशाना बनाकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में भी कार और ऑटो में तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। कोल्लम, कोट्टायम, एर्णाकुलम और त्रिशूर में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। देश भर के 13 राज्यों में एनआईए के रेड को लेकर जगह जगह उग्र प्रदर्शन देखा गया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर बम फेंका गया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल बम से अटैक किया। पार्टी कार्यालय पर हमले की खबर मिलते ही सभी बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और सड़क पर जाम किया। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आज केरल में पीएफआई ने बंद का ऐलान किया है। केरल में बंद को देखते हुए जगह जगह भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन अलर्ट पर है। पीएफआई का बंद देश के कई राज्यों में एनआईए और ईडी की ओर से की गई। दफ्तरों और नेताओं के घर पर छापेमारी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के विरोध में बुलाया गया है। कल केंद्रीय एजेंसियों ने करीब 15 राज्यों में पीएफआई की 93 जगहों पर छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान 106 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएम मोदी ने गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी कार्यक्रम से वर्चुअल तौर पर जुड़े पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है अब देश का फोकस। पीएम मोदी ने ग्राउंड वाटर लेवल पर चिंता जाहिर की। कहा, राज्यों को अब पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की नहीं बल्कि पर्यावरण विभाग की भी है। अगली बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी के 2019 से 20 के बीच दिए गए भाषण का संकलन जारी किया गया। वेंकैया नायडू ने जारी किया संकलन। मौके पर केरल के गवर्नर आरएफ मोहम्मद खान और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में इसका लोकार्पण किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण शीर्षक से पुस्तक उपलब्ध रहेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। मुलाकात के दौरान उनके साथ कई सपा विधायक भी थे मौजूद। अखिलेश यादव ने राज्यपाल से आजम खान पर हो रहे अत्याचार पर बातचीत की। इसके अलावा आजम के खिलाफ दर्ज किए जा रहे मुकदमों को लेकर भी शिकायत की है। थाने के AIMIM के ऑफिस में तोड़फोड़। अज्ञात हमलावरों ने दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़ और शख्स को लाठी डंडों से पीटा। हमले में दो लोग घायल हो गए पर घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हुए। उत्तर भारत में जाते हुए मॉनसून का कहर। दिल्ली एनसीआर में बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर हुआ जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर जल भराव की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। हापुड़ लालपुर गांव में तूफान ने तांडव मचाया। तेज हवा की चपेट में आकर 30 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। तेज हवा में सैकड़ों बीघा गन्ना, बंद गोभी और चारा की फसलें नष्ट हो गई। बुलंदशहर में भी बारिश का कहर। तेज बारिश और आंधी में
गिरी मकान की छत। हादसे में एक महिला की मौत, दो लोग घायल हुए। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरा मकान, मलबे में दबने से 6 साल के बच्चे की मौत, वहीं 7 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और SSP अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ISI एजेंट की गोली मारकर हत्या, पिता को बचाने के लिए छत से कूदी एजेंट की बेटी, पूरी घटना CCTV में कैद। ISI एजेंट लाल मोहम्मद की काठमांडू में हत्या। लाल मोहम्मद ISI के जाली नोट का भारत में सबसे बड़ा सप्लायर था। डी गैंग से भी संपर्क था लाल मोहम्मद का। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बैंक का ATM उखाड़ कर ले गए बदमाश, मशीन में करीब 12,10,000 रुपए थे। ATM उखाड़ने की पूरी घटना CCTV में कैद, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में महिला होमगार्ड की बहादुरी देखने को मिली, मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे चोर को पुल से छलांग लगाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। मीडिया पंजाब का मोस्ट वांटेड अपराधी रणदीप सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। बरेली से अपराधी रणदीप सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिदा का करीबी था रणदीप। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं के साथ पुरुष भी सड़कों पर उतरे। आंदोलन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत। हिंसक झड़पों में अब तक कुल 31 की मौत। लेबनान में लोगों को ले जा रही नाव सीरिया के तट पर डूबी। हादसे में नाव में सवार 34 लोगों की मौत हो गई, 14 लोगों को बचाया गया, अन्य की तलाशी जारी है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं News 24। और सोनिया गांधी से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी। प्रमोद कृष्णम और हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। गहलोत कोच्ची से शिरडी के लिए रवाना, कल करेंगे नामांकन। शशि थरूर भी जल्द अपना नामांकन कर सकते हैं। तो अध्यक्ष पद की रेस जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने अब सोनिया गांधी से मुलाकात की है, हुड्डा, इसके अलावा कई बड़े नेता जो सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। शशि थरूर भी जल्द नामांकन कर सकते हैं, 30 सितंबर तक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन। नहीं, वैसी मुलाकात थी कांग्रेस पार्टी के बारे में और उन्होंने कहा भी सब मिलकर पार्टी मजबूत करो, सब पार्टी हो। और उन्होंने प्रधान के इलेक्शन में कहा कि हम न्यूट्रल हैं, जिसका जो मर्जी लड़े। सर, राजस्थान का CM कौन होगा? अशोक गहलोत। वो तो पार्टी फैसला करेगी। LCD बंद कर ले थोड़ी सी। जी सर, अब बाकी किसी और ने भी पर्चा भरा है या आप भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव लड़ें इस बार? नहीं, अभी तो पर्चा भरना ही 24 से शुरू होगा। ये मैंने पहले भी कहा आपको कि